तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उस टॉपिक के सवाल जवाब को हम करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? वर्तनी। दोस्तों, वर्तनी से संबंधित सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से जानना जरूरी है। वर्तनी कहने का तात्पर्य है कि शब्दों की सही स्पेलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब। तो दोस्तों, पहला शब्द है सन्यासी। तो सन्यासी कौन सा सही है, आपको चूज करना है। तो इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये वाला। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें पूर्वाहन। पूर्वाहन, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये पूर्वाहन का सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर तीन है सूक्ष्म। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सूक्ष्म। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार है अनुगृहित। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अनुगृहित। क्वेश्चन नंबर पाँच, इसमें जो चार शब्द दिए गए हैं स्पष्ट, सूक्ष्म, बाह्य और सात्विक। तो इसका इसमें जो सही शब्द है वो कौन सा है, सात्विक। सात्विक जो शब्द है उसकी वर्तनी सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पत्नी संकीर्ण निमित्त उत्पत्ति। तो इसमें जो सबसे सही वर्तनी है वह है उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर सेवन, पुनरोक्ति पुनरुक्ति पुनरोक्त पुनरुक्ति। क्वेश्चन नंबर सेवन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर एट, अमावस्या। अमावस्या उमावस्या। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अमावस्या, और इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए भी है अमावस्या। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन है निरीक्षण। तो निरीक्षण का जो सही वर्तनी है ऑप्शन ए ये है। क्वेश्चन नंबर टेन, अध्येता 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 अध्येते। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अध्येता। अपशगुन अपशकुन अपशुकन। दोस्तों, अपशगुन का जो सही वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन ए अपशगुन। क्वेश्चन नंबर 12, हंसमुख 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 का सही वर्तनी आपको चुनना है, हंसमुख। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी हंसमुख। क्वेश्चन नंबर 13, कीर्ति। कीर्ति का सही वर्तनी कौन सा है? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कीर्ति ऑप्शन ए। दोस्तों, इसमें कीर्ति का जो सही वर्तनी है वो ऑप्शन बी में भी हो सकता है। नहीं, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगला वर्ड है परिवर्तन। परिवर्तन का जो सही वर्तनी है वो कौन सा है? तो वर्ड परिवर्तन, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि। सृष्टि का जो सही वर्तनी है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये सृष्टि का वर्तनी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, कृपा कृपा कृपा। कृपा का जो सही वर्तनी है वो ऑप्शन डी है कृपा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण 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 तरुण। तो इसका जो सही वर्तनी है ऑप्शन ए तरुण। दोस्तों, इसमें आप फर्क दे सकते हैं, देख सकते हैं ए और बी में। इसमें दीर्घ उकार है र में और इसमें हर्ष उकार है। क्वेश्चन नंबर 18, अस्पृश्यता का सही वर्तनी को चुनना है, अस्पृश्यता। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी
अस्पृश्यता। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भी हो जाएगा, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। द्वंद का सही वर्तनी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19। तो द्वंद का सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 20, निर्देशन का सही वर्तनी कौन सा है, तो निदर्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, सही वर्तनी वाले शब्द चुने। शारीरिक का सही वर्तनी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21 जो शारीरिक सही रूप से लिखा जाता है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अधिशाषी क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधिशाषी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, सन्यासी का सही वर्तनी को चूज करना है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। उपयुक्त इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 24 का, ऑप्शन सी, उपरोक्त पंक्तियां। अपराहन के बाद सूर्य अस्तचलगामी होने लगता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपराहन। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्तनी से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल जवाब अच्छे लगे होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।